हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मयंक एंड आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। गाइस, जैसा कि हम सभी को पता है डेट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको अगर LLB में एडमिशन लेना है या फिर BHU के अंदर लेना है या फिर देर आर सेवरल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, सो यू हैव टू अपीयर फॉर अ सिंगल एंट्रेंस डेट इज़ CUET PG, ठीक है, जिसका पेपर कोड है COQP 11। इट इज़ अ जर्नल पेपर। अब से पहले क्या होता था, अगर आपको फैकल्टी ऑफ लॉ DU के अंदर एडमिशन लेना है तो उसका NTA एक एग्ज़ाम कराती थी सेपरेट, जिसके अंदर आपसे लीगल के क्वेश्चंस होते थे। अराउंड 50-60% ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम लीगल, लाइक IPC, IPR, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, टोट एट्सेट्रा। बट इस बारी देर इज़ नो लीगल। इनका एक अलग सिलेबस आया है, एक पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस कराया जाए, जिसके अकॉर्डिंग आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। CUET PG का पेपर होना है, आप ये समझ लीजिए। अब ये जो एग्ज़ाम होगा ये आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून में होगा। NTA ने बता दिया है कि आपसे 1 तारीख से लेकर के 10 जून तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा CUET PG 2023, एंड आपके पास लगभग अभी 60 डेज़ का टाइम है। सो उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू मेक योर स्ट्रेटेजी इन एन ऑल। सो आज इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, वी विल एनालाइज द पेपर ऑफ CUET PG 2022, क्योंकि ये एग्ज़ाम 2022 में भी कराया गया था अंडर द कोड ऑफ PGQ 40, ठीक है। सो उस पेपर कोड को आज हम लोग एनालाइज करेंगे, देखेंगे किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस थे, किसका कितना वेटेज है, एंड उसी के अकॉर्डिंग वी विल फॉर्म आवर ओन स्ट्रेटेजी। एंड मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी एंट्रेंस की तैयारी करना, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना, हमेशा फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर। जब आई यूज़ टू गाइड यू ऑन द DU LLB प्रीवियस पैटर्न, मैं हमेशा प्रीवियस ईयर पे एम्फेसाइज़ करता था, एंड दिस ईयर एज़ वेल आई एम हैविंग द प्रीवियस ईयर विद मी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड इट फ्रॉम द NTA वेबसाइट, ठीक है। सो आज हम लोग प्रीवियस ईयर को डिकोड करेंगे एंड इसी के अकॉर्डिंग वी विल से कि हाउ यू शुड प्रिपेयर, व्हाट बुक यू शुड रेफर, किस तरीके से तैयारी करना, सब कुछ A to Z आज इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी हियर ऑन द YouTube, कमेंट मी, और यू कैन आस्क मी फ्रॉम माई व्हाट्सएप, ठीक है। यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी ऑन द व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और वट एवर यू थिंक फिट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो अभी इफ आई विल एनालाइज द पेपर ऑफ PGQP 40, ये 2022 में पहली बार पेपर हुआ था, तो इसी की मदद से हम लोग इसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। सो अब आप एक बात समझो, आई एम ब्रेकिंग इट डाउन, बट बिफोर इट लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका सिलेबस क्या है। देखो, इसके अंदर लगभग आपको 5 डिफरेंट सेक्शंस में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। नंबर 1 इज़ इंग्लिश, और आई शुड बेटर कॉल इट लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। नंबर 2 आपका रीजनिंग, देन द मैथमेटिक्स, देन जनरल नॉलेज स्लैश अवेयरनेस, विच मीन्स वॉट, इट मीन्स आपका करंट अफेयर भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड नंबर 5 इज़ कंप्यूटर अवेयरनेस। ये 5 डिफरेंट सेक्शंस हैं जहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, ठीक है। बट किस सेक्शन का कितना वेटेज होगा ऐसा कहीं भी डिफाइन नहीं है। NTA ने कुछ नहीं बताया आपसे कि मैथ में कितने क्वेश्चंस पूछेंगे, रीजनिंग में कितने क्वेश्चंस पूछेंगे। सो हमें कैसा पता चलेगा, बाय द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो उसी के लिए आज हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं फॉर यू गाइस, ठीक है। अब आप एक बात देखो, लाइक आपके स्क्रीन पर सब कुछ आ रहा होगा, जस्ट अंडरस्टैंड कि इंग्लिश और आई शुड अगेन बेटर कॉल इट लैंग्वेज, आइदर हिंदी और इंग्लिश, वट एवर लैंग्वेज यू विल चूज, लैंग्वेज इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंस्टिट्यूट 25 क्वेश्चंस, जिसमें अगर कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो आपके 5 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन से थे, ठीक है। लैंग्वेज इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज इक्वल टू 25 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग 25 क्वेश्चंस, देन आपका जनरल नॉलेज अगेन 12 से 14 क्वेश्चंस, कंप्यूटर अवेयरनेस 9 क्वेश्चंस, साइंस 2 क्वेश्चंस विच इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे। अगर मैं आपको जनरल नॉलेज में बताऊँ, स्पेसिफिकली अगर मैं जनरल नॉलेज की बात करता हूँ, तो आप जनरल नॉलेज में भी देखोगे कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन से 5 क्वेश्चंस थे, डांस से आपके 2 क्वेश्चंस थे, साइंस से आपके 2 क्वेश्चंस थे, हिस्ट्री से आपका 1 क्वेश्चन आया था, ठीक है। आपने क्या देखा, इकोनॉमिक्स से आपके 3 क्वेश्चंस थे। आपने क्या देखा, जनरल नॉलेज के अंदर जितने टॉपिक इन्होंने मेंशन किए हैं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर किसी टॉपिक से इक्वल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री बहुत वाइड टॉपिक है, हिस्ट्री उसके अंदर एंशिएंट, मेडिवियल, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट क्वेश्चन कितना आया, मात्र 1 क्वेश्चन आया, ठीक है। सो अभी मैं सबको एनालाइज करूँगा सो दैट आपको कोई भी डाउट ना बचे और आप अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर पाओ, ठीक है।
सो आपको मैंने बता दिया कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आए थे. दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन, राइट? आपके स्क्रीन पे सब होगा, आपको सिलेबस पता है. एंड बिफोर आई विल प्रोसीड फर्दर इन माय वीडियो, आई वांट यू गाइस टू हैव अ लुक ऑन द सिलेबस. एनडीए ने डिटेल्ड सिलेबस रिलीज़ कर दिया है, मैथमेटिक्स रीजनिंग डिटेल्ड, ठीक है? तो अभी आपके स्क्रीन पर सिलेबस शो होगा, ठीक है? तो आई होप आपकी स्क्रीन पर अब सिलेबस शो हो रहा होगा. सो दिस इज़ द सिलेबस ऑफ एनडीए फॉर CVT PG एंट्रेंस COQP 11 कोड. जर्नल का कोड है, SSC लेवल का पूरा एग्ज़ाम होने वाला है आपका. सो आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है. बट माइंड यू, दिस इज़ नॉट एन SSC CGL एग्ज़ाम. सिलेबस सिमिलर है, बट द डेप्थ इज़ नॉट सिमिलर टू SSC CGL. इस बात का भी आपने ध्यान में रखना है. सो जी, अब बात कर लेते हैं कि कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है, ठीक है? अब अगर मैं बात करता हूँ कि हाउ यू शुड प्रिपेयर, एक ऐसा एस्पिरेंट जिसने अभी तक बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की बट वो अब से शुरू कर रहा है, तो सबसे पहले तो यस, इट इज़ पॉसिबल. आप अभी से भी शुरू करोगे, कम्प्लीटली पॉसिबल कि आप इसे क्रैक कर पाओ, ठीक है? अब आप इसमें सबसे पहले एक ध्यान याद रखना कि हमेशा सेल्फ असेसमेंट ज़रूरी होता है. खुद को असेस करो, कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा. देर आर सो मैनी यूट्यूबर्स, मैं भी हूँ, हम लोग नहीं बता सकते कि वेयर डू यू स्टैंड, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऐसा बच्चा है जो कि ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आता है, जिसने क्लास 10th के बाद मैथमेटिक्स को छोड़ दिया है, उसकी ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है. सो उसने कभी किसी कंपटीशन की भी तैयारी नहीं करी है, तो उसके लिए मैथमेटिक्स रीजनिंग हो सकता है बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग टास्क है. बट ऑन अ सिमिलर हैंड, एक ऐसा बच्चा जो कि SSC CGL की तैयारी कर रहा है बहुत टाइम से, तो उसके लिए दिस पेपर इज़ मेयर अ केक वॉक. उसके लिए सिलेबस बहुत ईजी है, ठीक है? तो आपको समझना पड़ेगा बच्चे कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग यू कैन स्टार्ट एनालाइजिंग और मेकिंग योर ओन स्ट्रेटेजी, ठीक है? यू हैव टू डू दिस. कैसे करोगे? अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछो. क्वेश्चन ये पूछो कि क्या मेरे को मैथ में कंफर्टेबिलिटी है, क्या मेरे को मैथमेटिक्स आता है, क्या मेरे को रीजनिंग आता है. अगर नहीं आता है तो क्या मैं इसको सीख सकता हूँ, और अगर नहीं सीखूंगा तो व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स विच आई कैन फॉलो. एंड देखो, अल्टरनेटिव कुछ नहीं है, वी हैव टू डू द सिलेबस. हम हंस लें, रो लें, कुछ भी कर लें, वी हैव टू डू इट, ठीक है? सो क्वेश्चंस पूछो कि क्या मेरे को कंप्यूटर की नॉलेज है, लाइक जो सिलेबस में है. क्वेश्चंस लाइक मेरी इंग्लिश कैसी है, लाइक व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ 8th, 9th, 10th, व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, क्या उस टाइम पर मेरे को इंग्लिश ग्रामर आती है. उस हिसाब से यू हैव टू एनालाइज की, सो उसी के हिसाब से आपको आपके इंग्लिश को एनालाइज करना है. उसी के अकॉर्डिंग आपको पता चलना है कि आपको हिस्ट्री कितनी आती है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कितनी नॉलेज है. ये सब आपको खुद से एनालाइज करके कहीं पर लिख लो, जोट डाउन कर लो. उसके बाद सेट योर प्रायोरिटीज़ एंड ऑलवेज सी कि इनपुट आउटपुट रेशियो आपको कितना है, ठीक है? आउटकम कितना है. आप हो सकता है हिस्ट्री पढ़ लो, पूरा हिस्ट्री पढ़ लो, पूरा ज्योग्राफी पढ़ लो, बट क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, दिस इज़ अगेन अ क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, हमने पता है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग को मिला करके 50% ऑफ अवर वेटेज इज़ फ्रॉम मैथ एंड रीजनिंग, एंड अगर लैंग्वेज को भी मिला दें तो 25%, ठीक है? तो टोटल 75% ऑफ द सिलेबस कंसिस्टिंग ऑफ लैंग्वेज, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स. सो हम ऑफकोर्स उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे रेदर देन कि हम हिस्ट्री के पीछे पढ़ते रहें. नो, ऐसा नहीं होता है. इमोशनल तो बिल्कुल नहीं होना है. हम इमोशनल हो जाते हैं, वी आर इमोशनल पीपल, ठीक है? आपको इमोशनल नहीं होना है, ठीक है? हमेशा जितना जहाँ से फ़ायदा मिले उतना ही टाइम इन्वेस्ट करो. एग्ज़ाम हो, रिलेशनशिप, व्हाटएवर इट इज़, Always invest how much you are getting return out of it, ठीक है? So इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बता दूँ, then GK is consisting only 50-20% of your paper, GK जनरल नॉलेज. 15% आपका पेपर सिर्फ GK का है. अब ऐसा हो सकता है इस बार थोड़ा अप डाउन कर दें. कितना कर देंगे? 3-4% either up or down, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है? बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द प्रीवियस ईयर. सो आपका 15-20% ऑफ द पेपर इज़ फ्रॉम जनरल नॉलेज. सो आप ये मानो कि 80% बच्चे आपका पेपर अभी भी GK के अलावा ही आ रहा है. सो आप ये मत सोचो कि हिस्ट्री कैसे करेंगे, ज्योग्राफी कैसे करेंगे, इकोनॉमिक्स कैसे करेंगे. नो, ये देखो कि आपका 80% पेपर कहाँ से आ रहा है. लैंग्वेज, जनरल लैंग्वेज, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स. और एक कॉम्पिटिशन में क्रैक कितने पर हो जाता है? 60-65% पर आपकी कट ऑफ आ जाती है. आप समझ रहे हो? सो पेपर ईजी है, देखिए, क्रैक करना, अगर आप अच्छे से स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करते हैं. एक और बात मेरी हमेशा ध्यान में रखना कि जो आपको ध्यान में रखनी है कि हमेशा जो आप लैंग्वेज चूज़ करोगे उसको बहुत ध्यान से चूज़ करना, ठीक है? आई डोंट थिंक कि आपको किसी ने ये बात बताई है, बट आई एम टेलिंग इट टू यू कि आप लैंग्वेज चूज़ करेंगे ना, हिंदी और इंग्लिश, इसको बहुत ध्यान से करना. यहाँ पर आपको बिल्कुल शर्म नहीं करनी है किसी की कि
सब लोग इंग्लिश इंग्लिश चूज़ कर रहे हैं, हिंदी की कोई बात ही नहीं करता, तो मैं भी इंग्लिश चूज़ कर लूँगा। नो, आपको अगर हिंदी में कंफर्टेबिलिटी है तो आप हिंदी चूज़ करो, क्यों इंग्लिश के पीछे भागते हो? और आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको दोनों में ही प्रॉब्लम है, वो बच्चे क्या करें? आप लोग क्या करो, 2022 का पेपर उठाओ CET PG का, और लैंग्वेज वाला पार्ट आप सोल्व करो, हिंदी भी और इंग्लिश भी दोनों को सोल्व करो। फिर आप देखो कि आप ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ कर पाए, ज़्यादा सही क्वेश्चंस कहाँ पर कर पाए, आप किस में ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हो, ठीक है? एंड उसके बाद आप लैंग्वेज को ऑप्ट करो। अब यहाँ पर देखो, आपको एक बारी ना CET PG का बुलेटिन देखना होगा, शायद उसमें आपको फॉर्म भरते टाइम पर ही लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ती है। अगर ऐसा है तो यू माइट फिल द फॉर्म अगेन, और वट एवर इट इज़, आपको PG का एक बार बुलेटिन देख लो। बट आई एम सजेस्टिंग कि सिर्फ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज इंग्लिश के पीछे मत भागो, अपनी कोल लो, ठीक है? क्योंकि मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो, आई हैव अ पेपर ऑफ CET PG, ठीक है? जस्ट यस, आप अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, सीरियल नंबर 7 पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दोनों क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी, ठीक है? अब आप इस इंग्लिश के क्वेश्चंस को देखो और बताओ कि कितने आप में से कर पा रहे हो। आई थिंक काफ़ी कर पा रहे होंगे बिकॉज यू आर कंफर्टेबल इन इट, बट बहुत बच्चे नहीं कर पा रहे होंगे। अब आप एक हिंदी का क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन, हिंदी का क्वेश्चन क्या है? नाक में दम करना, ये एक मुहावरा होता है, नाक में दम करना, हमको इसका उत्तर बताना है। इसमें ऑप्शन है एक बहुत तंग करना, ऑप्शन नंबर P, हम सभी को पता है, झट से हमने ऑप्शन देखा हमें याद आ गया कि नाक में दम करने का मतलब क्या होता है, बहुत तंग करना, ठीक है? अब आप देखो, इसका इंग्लिश काउंटर पार्ट से ज़्यादा ईजी है हिंदी काउंटर पार्ट। सो इस तरीके से टेक योर ओन कॉल, उसके अकॉर्डिंग आप सीख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद अब बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट की तैयारी कहाँ से करें। देखो, इंग्लिश के लिए आपको मैं बता दूँ, जो आपको मेन फोकस करना है इंग्लिश में, एक तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट सीखने होंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है, सिर्फ वोकैबुलरी आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है। उसके बाद टेंसेस, मॉडल्स, आर्टिकल्स, जम्बलिंग, ठीक है? देन उसके बाद ईडियम्स, एंटोनियम, सिनोनियम, फ्रेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आपको इंग्लिश में करना है। आप क्या करोगे, कोई भी एक अच्छी बुक जैसे SSC एग्ज़ाम के लोग फॉलो करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नीतू सिंह मैम की एक बुक आती है, उसको फॉलो कर सकते हो, या फिर आप कोई बेसिक इंग्लिश ग्रामर की बुक जो आपको स्कूल टाइम पे आपने कभी पढ़ी हो, आपका छोटा भाई बहन हो, उसको कर सकते हो। दी ओनली पॉइंट इज़ कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमें मिल जाए, ठीक है? इसके लिए आप YouTube पे वीडियो देखो, आई विल सजेस्ट, अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने YouTube पे वीडियो बनाई हुई है, उनको आप देखो, ठीक है? उनकी प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करो। अगर आपके आसपास कोई भैया, कोई दीदी, कोई सर हैं जो कि छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, 8th 9th 10th क्लास को ग्रामर पढ़ाते हैं, उनके पास जाओ, उनसे सीख लो, ठीक है? कुछ भी करो, बट द पॉइंट इज़ कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है? इंग्लिश आप ऐसे करेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प सब चीज़ों को रख रहा हूँ। उसके बाद रीजनिंग और मैथ, देखो रीजनिंग और मैथ दोनों में ही यू नीड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बिना आपका कुछ नहीं होना है, बिकॉज इट मीन्स कंटिन्यूस प्रैक्टिस। अभी से फ्रॉम दिस डे व्हेन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको लग जाना है, सिलेबस को मार्क कर लो, स्टार्ट विद ईजी सो दैट इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, एंड उसके बाद आप धीरे धीरे करके सारा सिलेबस कवर करते जाएंगे। एंड रिमेंबर, मैथमेटिक्स में बच्चे यू नीड अ टीचर। आप कितने भी कोशिश कर लीजिए कि हम बुक से पढ़ लेंगे, बट अल्टीमेटली यू नीड अ टीचर फॉर दैट। आपका कोई, अगेन आई विल सजेस्ट, आपके लोकल में कोई भैया हैं जिन्होंने SSC CGL की तैयारी करी, आप उनसे जा करके सीख लो। आपको यूट्यूब पे कोई अच्छे लगते हैं सर, आप उनसे पढ़ लो। आपको कहीं पेड बैच में एनरोल करना है, वहाँ करो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू, बट यू रियली नीड अ टीचर फॉर दिस सेक्शन। अदरवाइज आप खुद से एक्सप्लोर करो, बट आई थिंक यू नीड अ टीचर फॉर दिस, हु कैन चेक ओवर यू। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की। देखो, आई पर्सनली माई सेल्फ वेंट टू द मुखर्जी नगर एंड आई सर्च सो मैनी बुक्स अबाउट कंप्यूटर। सबसे पहले मैंने CET PG का सिलेबस देखा कि अच्छा, दिस इज़ द सिलेबस, अगेन वेरी वास्ट सिलेबस, दे हैव इंक्लूड सो मैनी टॉपिक्स इन इट। देन आई वेंट टू द मार्केट, आई एक्सप्लोर बुक्स, बट टू बी वेरी फ्रेंक, मुझे कोई ऐसी बुक नहीं मिली जो कि सारा सिलेबस आपका कवर कर दे। सो इसमें आप क्या करेंगे, या तो आप 2 से 3 किताबें खरीदें जो थोड़ा 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 सिलेबस कवर करें, या फिर कोई एक किताब खरीद लो जो कि आपका मेजोरिटी ऑफ द पोर्शंस कवर कर रही है, और बाकी के लिए यू कैन रिलाय ओवर यूट्यूब, यू कैन रिलाय ऑन द इंटरनेट। जो टॉपिक्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सर्च देम ऑन द इंटरनेट एंड फाइंड इट देम। मुझे जो बुक अच्छी लगी, डेट वॉज़ अरिहंत पब्लिकेशन की बुक थी,
जो मुझे अच्छी लगी, मुझे लगा कि कंप्यूटर का काफ़ी सिलेबस यहाँ से कवर हो रहा है, ठीक है। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, आपको फ़ोटो मैं दिखा रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर फ़ोटो शो हो रहा होगा, दिस इज़ द बुक जिसमें काफ़ी सिलेबस कवर हो रहा है, बट अगेन कंप्लीट सिलेबस यहाँ भी कवर नहीं हो रहा है। के बाद अब जो सबसे मेन आता है, जो बच्चों को डराता है, वो है जनरल नॉलेज स्लैश अवेयरनेस। सबसे पहले इस एग्ज़ाम में करंट अफेयर कहीं भी एक्सप्लिसिट नहीं दिया गया है। करंट अफेयर अगर आप कई लोग पूछेंगे तो जनरल नॉलेज में से ही पूछेंगे। और पता है इस एग्ज़ाम की सबसे बेस्ट बात क्या है, दे हैव गिवन यू डिफरेंट थीम्स, और करंट अफेयर भी अगर पूछेंगे तो इन्हीं थीम्स पे बेस्ड होगा। सो इन थीम्स के अलावा दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू करंट अफेयर, बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एग्ज़ाम। लास्ट ईयर 4 से 5 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर के, जो कि इन्हीं थीम्स में से थे। अब आप देखो, सबसे पहले इसमें जो आपको जनरल नॉलेज में ध्यान रखना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से करके जाओ, बिकॉज यहाँ से इन्होंने लास्ट ईयर 5 क्वेश्चंस पूछे थे। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सरफेस से पूछ रहे हैं, ठीक है, थोड़े से डेप्थ में भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये लोग आपसे क्रोनोलॉजी में पूछ रहे थे कि यू हैव टू अरेंज अमेंडमेंट्स इन क्रोनोलॉजी, इसके लिए आपको अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ेगी। बट जिस तरीके से पहले हम ड्यूअल एलबी में करा करते थे, वी यूज़ टू एम्फसाइज मच ऑन सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन, वी यूज़ टू एम्फसाइज मच ऑन लीगल पार्ट, जुडिशरी वाला, बट नो, इस बारी इट्स डायरेक्ट बेस्ड स्टडी। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसे याद कर लो, एंड डेट इज़ हाउ यू शुड अप्रोच अबाउट इट, ठीक है। शेड्यूल्स वगैरह सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बट इस वीडियो में ये याद रखो कि आपको डायरेक्ट बेस्ड स्टडी करनी है। अब लैंडमार्क केसेस वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। उसके बाद जो आपको सेकेंड टॉपिक अच्छे से तैयार करना है, वो करना है इकोनॉमिक्स। अब देखो, इकोनॉमिक्स में इन्होंने 2 से 3 टॉपिक्स ऐड करे हैं, एक तो हो गया इकोनॉमिक्स, एक हो गया नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, एंड एक हो गया ट्रेड अवेयरनेस। तीनों लगभग इकोनॉमिक्स ही हैं। आपको क्या करना है, स्टैटिक तो ऑफकोर्स पढ़ना है, जो बेसिक होता है स्टैटिक, आप उसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसके अलावा जो इन्होंने लास्ट ईयर किया, वो ये किया कि इकोनॉमिक्स उन्होंने करंट बेस्ड पूछा, 3 क्वेश्चंस पूछे इकोनॉमिक्स के जो कि करंट बेस्ड थे। तो हम इस बात से सीखेंगे कि इकोनॉमिक्स में जो भी हमारे करंट बेस्ड टॉपिक्स हैं, वो उसको पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रेड अवेयरनेस क्या है, कि इंडिया अगर किसी दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशनशिप में आ रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, कोई एग्रीमेंट साइन कर रहा है, जैसे FATF वगैरह बहुत सारे होते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ठीक है। सो यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट इट। उसके बाद एक टॉपिक है यहाँ पे कल्चर, कल्चर इम्पोर्टेंट है। देखो, कल्चर में भी डांस वगैरह इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डांस, आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका एक टॉपिक आता है साइंस, साइंस से लास्ट ईयर उन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछे। अब यहाँ पे अगेन इनपुट आउटपुट देख लो, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो और आपको बहुत अच्छी साइंस आती है, रिवाइज कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार नहीं आती, कभी पढ़ी नहीं है, सो आप छोड़ भी सकते हो, बिकॉज लास्ट ईयर 2 क्वेश्चंस आए थे। बट अगेन, छोड़ना नहीं छोड़ना, इट इज़ ऑल योर कॉल, आई एम नॉट सजेस्टिंग यू एनीथिंग, बट यस, इनपुट आउटपुट का हमेशा ध्यान रखना, समय जितना दोगे उससे आपको रिटर्न कितना मिलेगा, दिस इज़ हाउ यू शुड अप्रोच फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके बाद लिटरेचर वगैरह है, यू कैन डू इट। अब टॉपिक्स लाइक पर्सनैलिटीज़, टॉपिक्स लाइक स्पोर्ट्स करंट बेस्ड टॉपिक्स हैं, सो स्पोर्ट्स में आपको करंट बेस्ड ही करना है। किसी को कोई अवार्ड मिला है, ट्रॉफी, इंडियन टीम कहीं पर जीती है, करंट बेस्ड टॉपिक हैं पर्सनैलिटीज़ एंड स्पोर्ट। हिस्ट्री बहुत वास्ट टॉपिक है, 4 टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर। क्या क्या आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इतना सब कुछ। लास्ट ईयर मात्र 1 क्वेश्चन आया था। अब आप देख लो कि आपको करना है नहीं करना है, बट एक बात बता दूं, अगर करो भी तो बहुत ऑब्जेक्टिव करना, ल्यूसेंट से कर लेना, ठीक है। ल्यूसेंट की एक बुक आती है, इसको आप कर सकते हो, अच्छी किताब है, बट कभी भी ये मत करना इमोशनल होकर के स्पेक्ट्रम उठा लो, ठीक है। चाहे आपने UPSC की भी तैयारी करी हो, वो भी आप सुन लो, तो भी स्पेक्ट्रम नहीं उठानी है, बिकॉज इट विल नॉट सर्व द पर्पज़। ज्योग्राफी से लास्ट ईयर नहीं पूछा था सवाल, हो सकते इस साल पूछ लें, कितने पूछेंगे, 1 सवाल 2 सवाल, उसके लिए आप 10-20 दिन दोगे नहीं ना। सो बेस्ट क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ बेस्ट। अगर मेरे को एग्ज़ाम देना होता, सबसे पहले आई विल फोकस ऑन रीजनिंग, आई विल फोकस ऑन मैथमेटिक्स, आई विल फोकस ऑन लैंग्वेज, उसके बाद आई विल गो फॉर समथिंग एल्स। एंड ऐसा मत करना कि सारे टॉप एक एक करके करो, कि नहीं पहले हम सारा मैथ करेंगे, फिर हम सारा रीजनिंग करेंगे, फिर हम लैंग्वेज पाएंगे, नो। एटलीस्ट 2 से 3 टॉपिक तो एटलीस्ट साइमल्टेनियस चलाओ, एक सब्जेक्ट से बोर हो गए, स्विच टू अनदर, ठीक है। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी ऑन योर टिप, माइंडिंग यू, कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी ऑन योर टिप, एंड डेट्स ऑल हाउ यू शुड प्रिपेयर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चा, आप कर लोगे। आई नो कि गलत तो हुआ है, देखो
लॉ एंट्रेंस शुड लुक लाइक अ लॉ एंट्रेंस, एसएससी वालों को एज है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, चाहो तो हम किस्मत को खोसे कि हमारी किस्मत ख़राब थी कि लास्ट ईयर हमने एक दो क्वेश्चन नहीं किए, या फिर सिस्टम को कोसें, या फिर जो है उसे एक्सेप्ट करें, देखें व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड एंड उसके हिसाब से तैयारी करें। आई विद माय एक्सपीरियंस वांटेड टू टेल यू यार कि दो महीने में इट कैन बी डन, अच्छे से हो सकता है। ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का हूँ या फिर मैंने तो हमेशा से फ़िलासफ़ी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोल साइंस, हिस्ट्री ये सब पढ़ा है, मैं कैसे मैथ करूँगा या करूँगी, ऐसा कभी मत सोचो। यू कैन डू इट, एवरीबडी कैन डू इट, बिकॉज डेप्थ उतना नहीं पूछते हैं, जो होती है ना एक डेप्थ होती है। टॉपिक इन्होंने बहुत सारे दे दिए हैं, अगर आप टॉपिक देखोगे तो इतना बड़ा सिलेबस दिया है, बट उसकी आप गहराई देखोगे ना सो उतना डेप्थ नहीं पूछते हैं। टॉपिक सारे करने हैं बट डेप्थ में नहीं करने हैं, ठीक है। एसएससी सीजीएल की तैयारी नहीं कर रहे हैं हम, सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं। सो देर इज़ एन अप्रोच इन बोथ द एग्ज़ाम्स। एंड एक लास्ट जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा, कभी भी ये गलती मत करना कि हम एक पूरा पोर्शन को छोड़ के जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बच्चों से सुना है कि सर हमारा मैथ वीक है तो हम मैथ छोड़ के बाकी सब कर लें क्या, ऐसा बिल्कुल भी ना करना, ठीक है। एंड हमेशा अपना 100% देना, ऑलवेज प्रिपेयर होना वार फ्रंट पे युद्ध के जैसे तैयारी करो और 100% दो। किसी को कम किसी को ज़्यादा मत समझो, कंप्यूटर पे फोकस कर लेना। बिकॉज मैं बातें कर रहा था, मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने ऐसे सीजीएल के लिए अपीयर किया है, मेंस वगैरह लिखा है, आई वाज टॉकिंग टू देम एंड उन्होंने क्या बोला कि यार पता है मेरा क्यों रह गया, बिकॉज मैंने कंप्यूटर नहीं पढ़ाई करी, कंप्यूटर की मैंने पढ़ाई नहीं करी। सो आई रियलाइज्ड कि ये एक ऐसा सेक्शन है जिसको हम नेगलेक्ट करते हैं, क्यों हमें लगता है कि यार इसका मटेरियल अवेलेबल नहीं है या इसको छोड़ देते हैं, ऐसा मत करना। कंप्यूटर अच्छे से पढ़ के जाना एंड आई विल ऑफकोर्स रेगुलर मेक वीडियोज़ एंड विल इन्फॉर्म यू गाइज अबाउट इट। एंड इसके अलावा आई वॉन्टेड टू इन्फॉर्म जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं दैट वी हैव अ प्लेटफॉर्म ऑफ लो अध्ययन, वी हैव अ वेबसाइट ऑफ लो अध्ययन .com, www.loadhyayan.com, वी हैव एन एप्लीकेशन ऑफ लो अध्ययन, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, वेयर वी हैव अ पेड कोर्स ऑफ CUET PG जिसके अंदर हम आपको तैयारी कराते हैं मैथ, रीजनिंग, एवरीथिंग। वी आर गोना गिव यू अ गुड गाइडेंस, मैथ रीजनिंग आपका टिप पे हो जाना है उस एग्ज़ाम उस कोर्स के बाद, एंड आपको उसके अंदर टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ठीक है। सो वी आर गाइडिंग यू देयर, आप उसको कर सकते हो, अदरवाइज आप सेल्फ से तो कर ही सकते हो। टेक योर कॉल, 60 दिन हैं, अच्छे से तैयारी करो, गिव योर बेस्ट शॉट, ऑल द बेस्ट, सी यू गाइज एज माई जूनियर्स इन द फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, शाइनिंग ऑफ।